उत्तर प्रदेश के अमरोहा नगर में कल दलित समाज के विभिन्न संगठनों की ओर से भारत बंद के तहत बाजारों और दुकानों को बंद कराया गया और शहर की सड़कों पर मार्च निकालते हुए संविधान बचाओ देश बचाओ का नारा लगाया गया। दलित समाज के लोगों ने कहा कि उन्हें हर हाल में अपने भारत देश के संविधान को बचाना है। इसके अलावा दलित समाज के लोगों ने कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों को शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग की और अन्य मांगों को लेकर अपना प्रदर्शन किया। साथ ही मार्च निकालते हुए समाज के कलेक्ट्रेट तक पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी अमरोहा को सौंपा। आज संविधान बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले 5 मार्च को भारत बंद का आह्वान समिति ने किया है। अमरोहा में दलित महापंचायत और दूसरे संगठन भारत बंद के आह्वान में अमरोहा को बंद करने का काम कर रहे हैं, अमरोहा के बाजार को बंद करने का काम कर रहे हैं। इसमें हमारी कई मांगे हैं। पहली मांग ये है कि पुलवामा में 42 जवानों की जो आतंकी हमले में हत्या हुई है, उनकी मौत हुई है, हम लोगों की ये मांग है कि भारत सरकार उनको शहीद का दर्जा दे, भारत सरकार उनके परिजनों को मुआवजे की व्यवस्था करे, भारत सरकार आजीवन उनको पेंशन की व्यवस्था करे और परिजन के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। दूसरी हमारी मांग है कि अभी एक आदेश आया है जिसमें 20 लाख आदिवासियों को उनकी ज़मीनों से, जंगल से, ज़मीन से बेघर करने का आदेश आया है। हम उस आदेश की खिलाफत करते हैं, उसका इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि आदिवासियों से जल है, जंगल है, ज़मीन है। अगर उनकी ज़मीनों से बेदखल कर दिया जाएगा तो एक बहुत बड़ी वर्ग पर, बहुत बड़ी आबादी पर फैसले का कुठाराघात होगा, लोग बेघर हो जाएंगे। इसलिए राष्ट्रपति महोदय से हमारी मांग है कि उनका पुनर्वास किया जाए, उन्हें पुनः उनकी ज़मीन पर कब्जा दिलाया जाए। इसके आगे हमारी मांग है कि ईवीएम बहुत बड़ा सवाल है इस देश में, ईवीएम ज्वलंत मुद्दा है इस देश का, कि ईवीएम को बैन करके बैलेट पेपर से इस देश में लोकसभा के चुनाव कराए जाएँ। इसके अलावा हमारी मांग है कि जो आर्थिक आधार पर सवर्ण समाज को केंद्र सरकार ने रिजर्वेशन दिया है, हम ये मानते हैं कि इस देश में आरक्षण की व्यवस्था सामाजिक है, तो इस सामाजिक व्यवस्था के आधार पर रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंट हो, उसका क्रियान्वयन हो, लेकिन आर्थिक आधार पे आरक्षण देकर केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़े तबके को SC ST OBC को आर्थिक आधार पर लाने की सुनियोजित साजिश शुरू कर दी है। हम इस साजिश का विरोध करते हैं। राष्ट्रपति महोदय से हमारी मांग है कि राष्ट्रपति महोदय इस आर्थिक आधार पर लागू किए गए आरक्षण का जो फैसला आया उसका निरस्त करके इसे सामाजिक शैक्षणिक आधार पर लागू करने की कृपा करें।